तिहाड़ जेल के अधीक्षक पर गिरी गाज, एलजी ने अधीक्षक को किया निलंबित। जाने मंत्री सत्येंद्र जैन से क्या है रिश्ता। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कारागार मंत्री, जो कि इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा काट रहे हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके बारे में प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में जेल प्रबंधन वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस मामले की हर सिरे से जांच शुरू हो गई। इस मामले में तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक अजीत कुमार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल ने अब निलंबित कर दिया है। दिल्ली सरकार के कारागार विभाग ने बताया कि तिहाड़ के जेल अधीक्षक अजीत कुमार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सस्पेंड किया है। शुरुआती जांच में ये पाया गया कि उन्होंने अपने काम के दौरान अनियमितताएं की हैं, जिसके लिए अब उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि अजीत कुमार डैनिक अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार के कारागार विभाग के एक सूत्र ने बताया कि तिहाड़ जेल संख्या 7 के जेल अधीक्षक अजीत कुमार को निलंबित किया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जांच में यही मिला कि उन्होंने कई कामों में अनियमितताएं की थीं, जिनकी जांच बेहद आवश्यक है। ईडी ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंपा है। फुटेज में सत्येंद्र जैन को सेल के अंदर मालिश कराते हुए देखा गया। जेल के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति अन्य 3 के साथ मंत्री की मसाज कर रहा है। ईडी द्वारा सौंपे गए फुटेज में उस अज्ञात शख्स द्वारा मंत्री सत्येंद्र जैन को कुछ दस्तावेज भी देते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। उन्हें 31 मई को अरेस्ट कर लिया गया था, तब से वो तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। हालांकि उनके बंद होने के बाद से कई तरह की खबरें उन्हें लेकर सामने आती रही हैं। इसी महीने की शुरुआत में महानिदेशक जेल संदीप गोयल का तिहाड़ जेल से तबादला कर दिया गया था, यानी उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले की बात है, वहां पे बंद एक कैदी जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है, उसने गोयल और जैन द्वारा जेल में सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए की जबरन वसूली का आरोप लगाया था। ईडी का आरोप यह भी है कि सत्येंद्र जैन के लिए एक अज्ञात शख्स ने सेल में जाकर फल काटे और हरा सलाद भी पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति सत्येंद्र जैन के साथ बैठा है और सेल के अंदर ही बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप यह भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन के सह आरोपी अंकुश जैन की देखरेख में एक अनजान आदमी मंत्री जैन के सेल की सफाई कर रहा है। सेल में झाड़ू पोछा लगाने के साथ साथ बेडशीट और तकिए के कवर को भी बदला जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ही एलजी ने कार्रवाई करते हुए जेल के अधीक्षक को सस्पेंड किया है। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।